मुंगेली में 1,19,54 किसानों को मिले 512.23 करोड़। डिप्टी सीएम साव बोले, किसानों की उन्नति, तरक्की और खुशहाली हमारी सरकार की प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुंगेली जिले के 1,19,54 किसानों के बैंक खाते में 512.23 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि किसानों की उन्नति, तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आज किसानों के लिए उत्साह का दिन है। हर तरफ किसानों के चेहरे में खुशहाली दिखाई दे रही है। ये खुशहाली कृषक उन्नति योजना के तहत समर्थन मूल्य से अंतर की राशि मिलने की है। हमारी सरकार बनते ही 3 महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृति, 12 लाख किसानों के खाते में बकाया बोनस राशि का भुगतान, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के तहत राशि वितरण किया गया। उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी थी, उसे हमारी सरकार ने महज 3 महीने के भीतर पूरा करने का काम कर दिया। गाँव गरीब और किसान की तरक्की और खुशहाली के लिए लगातार काम किया जा रहा है।